में बोलेंगे, ओम भूर भुवः स्वाहा अब प्रार्थना जो गायत्री महामंत्र है उसका हिंदी भावार्थ हमारे साथ दोहराते जाइएगा। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब आगे प्रार्थना के लिए शक्ति से हमारी बीच प्रीति आ रही है बाला आचार्य के रूप में, जो हम सबको प्रार्थना कराएंगी और हम सभी को दोहराते जाना है। चलिए तुम ही हो साथी तुम ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम ही हो मैया तुम ही केवैया आगे की वंदना आप आलोक कराएंगे। हमारे बीच नए आचार्य हैं। आलोक आप तैयार हैं?
जी अजी जी प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए। हेलो, आगे की वंदना का कर्म आगे बढ़ाते हुए दोनों हाथ जोड़ ले, नेत्र बंद कर ले, एक साथ एक स्वर में गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। उन सतगुरु को हम प्रणाम करते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ माया तु वरदे देवी, ओ माया तु वरदे देवी, तयक्षरे ब्रह्मवादिनी, तयक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा माता, गायत्री छंदसा माता, ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। गणेश जी की वंदना करते हुए, ओम एक दंताय विद्महे, ओम एक दंताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि, वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्, तन्नो दंती प्रचोदयात्। सरस्वती वंदना, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, विद्यारूपेण संस्थिता, विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम् यजामहे, ओम त्र्यंबकम् यजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वंदनान्, उर्वारुकमिव वंदनान्, मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। आलोक जप और ध्यान कराएंगे? नहीं, ठीक है, जप और ध्यान हम कराते हैं, फिर आगे की जो और वंदना है वो प्रार्थना है, शुभकामना, धरती माँ को प्रणाम कर दर्शन, वो सब कराएंगे हम जी दीदी। ठीक है।
तो हम सभी जब ध्यान करते हैं तो सभी कमर सीधी करके बैठ जाएंगे, दोनों हाथ गोद में और आंखें बंद करेंगे। पहले प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम करते हैं? आज भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो सभी भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी को पता है ना? अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए हम जो कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोग करिएगा। दोनों जो अंगूठा है उसे कान में, जो कान का ऊपर हुआ हिस्सा है उसे प्रेस करते हुए, और फिर आंखों में ये जो तीन उंगली है वो आंखों में, और जो ऊपर वाला उंगली है वो मस्तक में। फिर ओम का भौरे क्या गले में ही मुंह बंद करके गले से ओम का उच्चारण करना है, भौरे की गुंजन गुंजन करना है। ठीक है, लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे, दोनों हाथ गोद में, दाएं हाथ ऊपर और बाएं हाथ नीचे, या फिर ध्यान मुद्रा भी लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे, कमर सीधी, सभी शांत हो जाएंगे। इनके यहाँ से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, मेरे यहाँ से आता है बाहर बाहर। मैं ऑडियो बंद कर रही हूँ सुमन, आप बाद में। जी सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे, अपना सारा ध्यान हमारे निर्देशों पर रखेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी, अब हमारे साथ साथ ओम का उच्चारण करेंगे। आज हम ओम का उच्चारण 12 बार करेंगे, तो हमारे साथ साथ करते जाइएगा। लंबी गहरी सांस लेते हुए और साथ ही ओम के उच्चारण के साथ साथ हमारा जो आज्ञा चक्र है वहाँ पे ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे रखेंगे, और साथ ही उगते हुए सूर्य का ध्यान भी यहाँ पर करेंगे, और ओम पर ओम का जो गुंजन करेंगे, उच्चारण करेंगे, उसे सुनना भी है और उच्चारण करना भी है। तो सभी एक स्वर में ओम का उच्चारण, गहरी श्वास लेंगे। ओ
अब सभी एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे 5 बार हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भावना करेंगे कि प्रातःकाल जो स्वर्णिम सूर्य निकल रहा है, लाल लाल सूर्य अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए भगवान सूर्य को, स्वर्णिम सूर्य को देखने का प्रयास करें। और भावना करें कि भगवान सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही है, जिससे हम स्वस्थ निरोग हो रहे हैं और हमारे मन पर जो किरणें पड़ रही है उससे हमारे मन की जितनी भी बुराइयां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, वो सब नष्ट हो रहे हैं। हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो नष्ट हो रहे हैं और उनकी जगह पर हमारे अंदर जितने भी अच्छाइयां हैं, सद्गुणों सद्गुण हैं, उसका प्रवेश हो रहा है, संस्कार बन हो रहे हैं। हम पूर्ण रूप से निरोगी हो चुके हैं और संस्कारवान हो चुके हैं। अब दोनों हाथ जोड़ लेंगे और हमारे साथ प्रार्थना को दोहराते जाइएगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हमें हमें असत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चले, सत्य की ओर ले चले। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें आप अंधकार से अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, प्रकाश की ओर ले चले। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चले, अमृतत्व की ओर ले चले। अब सभी दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और आंखों की सेक करते हुए और चेहरे की मालिश करते हुए धीरे धीरे अपना
सभी को ध्यान अच्छा लगा, सभी को भगवान दिखाई दिए, किनको किनको भगवान दिखाई दिए, अच्छा खुशी को, हाँ भगवान दिखाई दिए, कौन से भगवान दिखाई दिए, खुशी कौन से भगवान दिखाई दिए आपको, श्री कृष्ण, अच्छा हमें तो सूर्य भगवान दिखाई दिए, सामने में भी सूर्य भगवान है और हम भावना भी करने को कह रहे थे कि सूर्य भगवान का ध्यान करना है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे आलोक, आगे की क्रम जो है वो आलोक भाई, आलोक भाई कराएंगे। आलोक डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या दीदी, आपको दिख रहा है क्या प्रेरणा आलोक? नहीं नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, शायद डिस्कनेक्ट हो गए।